चल गया था घाती पर, तो पीठ पे बैठ के और दोनों पैर धरती पे जमा दिए, इतना तो लंबा था। दोनों पैर जब धरती पे जमाए तब वो फटा हुआ हाथी और भगदंत ने जांघों के बीच में रोक दिया, जांघों के बल से और हाथी को रोक दिया, हाथी गिरा नहीं। तब कई पार्थ ने, प्रभु अब मेरी प्रतिज्ञा टूट गई है, अब मैं धनुष रख रहा हूं और अग्नि में शरीर को जलाऊंगा, भगदंत जीत गया मेरी हार गई। भगवान कन्हैया कह रहे सुन पारत, अरे काहे को हिम्मत हारी रहो, काहे को हिम्मत हारी रहो, केने हाथी रण में ठारो होए, और तबाई धरती पे आवे मर जाए वो चढ़ रे मारे, तबाई धरती पे आवे मर जाए वो चढ़ रे आती तो एक अर्जुन के तीर से, और हुआ क्या था? सुने सभा धरि ध्यान, अरे श्याम ने डारी दो है अंता, चारों अंडा बा घंटा के नीचे आ गए थे। ध्यान रखना, ये बच्चा कब निकले थे? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, चाहे घोड़ा निकले चाहे हाथी निकले, ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार वेद प्रकाश की तरफ से है, धन्यवाद। ध्यान रखना, कर्ण का वध महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया था। ये 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का, 18वें दिन दुर्योधन रणभूमि को छोड़कर के भाग गया, रणभूमि को छोड़कर के भागा, खून की जो नदी बन गई थी उसमें अपने बेटा लक्ष्मण की लाश पर बैठकर के नदी को पार किया, भानवती और बाणवती दोनों के पास पहुंचा था। रानियों ने मना कर दिया, महाराज अब हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र महाराज के पास जब पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, मेरा तो कुनवा उसी दिन मर गया था जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जब मेरे पास कोई यतन नहीं है, जब संसार से सब आस टूट जाती है और तब याद महतारी की आती है। तब दुर्योधन अपनी महतारी के पास गया, मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर ले। तब कही गांधारी ने कि बेटा, जिस दिन से तेरे पिता के संग विवाह हुआ है आज तक मैंने जो दुनिया आंख खोल के देखी नहीं है, पट्टी बंधी हुई थी, तो तू आज स्नान करके आना और मैं पट्टी खोल के तेरे शरीर को देखना चाहती हूं, तो
तो तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, फिर तुझे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तो आज दुर्योधन नगिन शरीर स्नान करके आ रहा है और इधर भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि दुर्योधन अगर वज्र को है गो तो जी मरे हो ना, और जी मरे हो ना तो तक पांडवन राज, तो एक रूप से तो पांडवों के संग हैं और एक रूप से भगवान दुर्योधन के सामने आ रहे। तो जब दुर्योधन को नगिन अवस्था में देखा है, कहिए महाराज कहां जा रहे हो? कन्हैया हट जाओ सामने, तो मेरी महतारी आज मुझे देखेगी जा अवस्था में, तो मैं वज्र का हो जाऊंगा। भगवान ने की दुर्योधन जब राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए, सो नगे शरीर में हतारी के सामने जा रहे हो, ऐसा करो कमर के हिस्से छिपा ले जाओ, तो केला के पत्ता बंधवाए भगवान ने बहका करके, और जब दुर्योधन आया तब कि मैया पट्टी खोल दे मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तो मेहतारी ने जब पट्टी खोली है, आंखों की ज्योति जब पड़ी, जितना शरीर ठकरा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी सब लोहे का हो गया, वज्र का बन गया। तब कही बेटा मैंने तो कही कि नगिन होकर के आना, मैया मुझे बीच में कन्हैया मिल गया, कन्हैया ने मुझे बहका दिया। तो देखो गांधारी का जवाब क्या है, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, मार मार के जादू, मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। अरे लड़ा तू का बहकावे में आवे, सुने शिव शंकर को बेटा प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, भस्मा सुर जाई ने मारो, 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 कैसे तब पानी रहो नर ते मारी के जल मार मारी के जादू, भस्मा सुर जाई ने मारी मारी के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे जल मार मारी के जादू, दुनिया कुसकु बधवे आयो, हरिना कुसकु बधवे आयो, जेकन तर सहिए में लायो, जेकन तर सुहिए में लायो, तब बनी गो शेर शिकारी रे जन मारी मारी के जादू, भैया बनी गो शेर शिकारी रे जन मारी मारी के जादू, दुनिया महाबली कर डारी रे जादू, दुनिया महाबली कर डारी रे जन मारी मारी के जादू, दुनिया अब जो है वो सो है वो, अब कोई और यतन बता दो। बेटा एक यतन और है कि तू ब्यास सरोवर में चला जा और ब्यास सरोवर में जाकर के छिप जाना, तुझे जल स्तंभन याद है। तो दुर्योधन जल में 6 महीने रह सकता था, तो तू ब्यास सरोवर में छिप जाना, लक्ष्मी के पास निवास करना, आज की रात निकलना मत चाहे कोई कछु कहे तो होते, और कल बेटा तुझे कोई मारेगा नहीं। तो दुर्योधन ब्यास सरोवर के लिए चला गया, भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर, और रात में ही ढूंढने गए, और जब भीम ने करुए वचन बोले हैं कि दुष्ट जिसका परिवार रणभूमि में मर गया हो और ताको मुखिया जिंदा बैठो छपो, ऐसे को तो मर जाना ही अच्छा है। से दुर्योधन क्रोध में आकर के बाहर निकला, लक्ष्मी ने रोका था, बंध बैर को सके निहारी और चरण ते ठेल लक्ष्मी डाली, लक्ष्मी में लात मार गया था, इतना घमंडी था। और जब बाहर निकल के आया तब देखो युधिष्ठिर महाराज अब भी क्या कह रहे हैं, ये थे धर्मात्मा। उसने कही कहां है युधिष्ठिर, भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, अकेलो रहोगे तब। तो युधिष्ठिर बोले क्या है, पांच गाम हम कूद दीजे,
नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। तो ध्यान रखना, इधोस्तर को दर्द हुआ है, लड़ना चाहते हो? हाँ लड़ना चाहता हूं। तो मारा तुम आओ अकेले। देखो आज के जैसी लड़ाई होती तो कह देते क्या तू बिगाड़ रहे हो, इका एक रहेगा हमें पांच। क्या कही दुष्टर ने कि तुम हो अकेले और हमें पांच? तो ऐसा करो दो भाई हमें तो ले लो पैमाओ, तो तीन ही तुम हो जाओगे और तीन हम हो जाए, तब लड़ाई हो गई बराबर। दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं, दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतू ये धर्म नहीं होगा, ये तो अधर्म हो जाएगा। आज कह पाओ धर्म और अधर्म की बात। तब कही दुष्टन ने, अरे दुर्योधन तुम धर्म में जानते हो क्या? धर्म की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है धर्म की, या जानते हो तुम? पर सुन दुष्ट क्या बोले दुष्ट, अरे आई तो अंत समय पे आई और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं। धर्म की बात को पहले कह देता तो इतना बड़ा संग्राम नहीं होता। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया पीछे खड़े थे, भगवान पीछे खड़े थे। अब क्या कहिए उसने, क्या मैं लड़ूंगा? तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहेंगे कि तो पांच चरण में तो कौए के छांट ले, एक ते लड़ ले। भगवान कन्हैया ने पीछे तो कोनी मारी के बिल्कुल ही भूल जाता हूं, पांचन में तो छांट करवा रहे हो जी, पकड़ ले भाई नकुल को हाथ तो नकुल लड़ लेंगे। लेकिन दुर्योधन अहंकारी था, अभिमानी था, उसने कहा नहीं, मैं अपने पक्ष का राजा हूं और तुम्हारे पक्ष का जो राजा हो सो लड़े मोते। युधिष्ठिर ने की नहीं आते कि प्रभु अब क्यों ज्यादा गड्ढा में चली गई, क्यों? जालंग को राजा तो मैं हूं और मे कब जा नहीं प्रभु जाते। भगवान के नहीं आने की सुनो, अपने मुकुट युधिष्ठिर तुम उतार के और भीम के सिर पर रख दो, कह दो हमारी मौत राजा जी। अब युधिष्ठिर तो चुप खड़े। ध्यान रखना, युधिष्ठिर ऐसे धर्मात्मा थे कि अपने जीवन काल में केवल एक ही बार झूठ बोले थे, वो एक बार पूरे जीवन में। तो युधिष्ठिर का रथ जब धरती से चार अंगुल ऊपर चलता था, चार अंगुल ऊपर, और एक दिन झूठ बोल गए थे, नेक ताई पर धरती पे आ गया था, एक बार झूठ बोले पूरे जीवन में। लेकिन दुर्योधन तेरे कर्मों से मुझे कष्ट हो रहा है। तो देखा होगा तुमने, अब तो खैर 20 25 30 साल से देखो ही ना काऊ ने, माजे परीक्षित यज्ञपति बैठे हैं, बड़े बूढ़े और हुए हैं, इनके जमाने में राजो का होते जब पौन में बीमारी होती तब गाते हैं परीक्षित जी गाते हैं। हाँ, तो भागवत जो कथा है, जो पुराने भारत की संस्कृति के गाने थे, गीत थे, वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। तुम्हें क्या बताएं, सन 2018 में परसीमन हुआ गानों का, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा गाना गया था पता है? छज्जे ऊपर बहु बाजरा पहले नंबर पर चला गया, और भक्ति के गीत सब पीछे रह गए। तो भारत की संस्कृति के गाने ये नहीं थे। अब जाको काऊ ने अर्थू लगाओ का क्या मतलब है जाको? कुछ नहीं। लेकिन ये गाने गाए जाते हमारे बुजुर्गों के जमाने में, जो तन लागी सोई तन जा।